तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो एक बच्चे के हाथ में इतनी सी पतंग आ गई है, चाहे तो जेब में रख के ले इसको ले जा सकता है। बहुत तगड़ी चीज यार, तूफान बन रहा है भाई, मान लो। और ओरे दिविज भाई लो तो जा। तो गाइस यार स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हमने बनाई है गाइस दुनिया की सबसे छोटी काइट। देख सकते हो जो एक नॉर्मल साइज की काइट होती है गाइस, वो एक इतनी बड़ी काइट होती है। और जो हमने काइट बनाई है गाइस, वो देख सकते हो इतनी सी काइट है। अगर मैं इसको यहाँ पे एक बार कंपैरिजन करूँ, यहाँ पे इसके अंदर एक इतना सा सर्कल बना हुआ है। अगर मैं इसके अंदर इस पतंग को रखूँ तो गाइस मात्र इतनी सी पतंग है। तो गाइस अब फाइनल मैंने इसको अभी तक इसके अंदर किसी भी तरह का मैंने अटैचमेंट नहीं किया। अब मैं इसको आपके सामने अटैच करूंगा, फिर इसको उड़ा के दिखाऊंगा। चैलेंजिंग बात यह गाइस कि हवा यहाँ पे बहुत कम चल रही है, और ये उड़ पाता है कि नहीं ये बहुत ज्यादा चैलेंजिंग रहेगा हमारे लिए। तो गाइस चलो पूरी कोशिश करते हैं, जो होगा आपके सामने होगा, आपके सामने हम इसको उड़ाएंगे। तो गाइस चलिए इसको उड़ाते हैं। तो गाइस यहाँ पे अब आप देख सकते हो मैं इसके अंदर धागा डाल दिया है, और अब बारी है इस काइट को उड़ाने की। गाइस हवा यहाँ पे अब काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है, इसलिए मुझे काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रही है कि अब ये पतंग उड़ेगी कि नहीं, क्योंकि पतंग उड़ने के पीछे का कॉन्सेप्ट ही हवा रहता है। एयर प्रेशर जितना अच्छा होता है पतंग उतनी ज़्यादा अच्छी उड़ती है। तो गाइस एक बार आपके सामने हम इसको उड़ाने की कोशिश करते हैं। गाइस हवा तो ये अच्छी दे रही है। ओ ओ माय गॉड गाइस, गाइज अब एक बार फिर से हवा चल रही है। गाइज हम हमारी पतंग को उड़ाने की कोशिश करते हैं। गाइज गाइज आप देख सकते हैं हमारी जो वर्ल्ड स्मॉलेस्ट काइट है गाइज, वो किस तरह से हवा में उड़ रही है। गाइज ये बिल्कुल नई इसी पतंग। गाइज यार अभी जो है फाइनली हमको उड़ाते उड़ाते गाइज यहाँ पे 30 मिनट से ज़्यादा हो गया है। हमारी काइट के अंदर पता नहीं दोस्तों क्या प्रॉब्लम आ रही है। बेसिकली मुझे ऐसा लगता है जिसका डंडा है गाइज पीछे का, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमें इसको वीक करना पड़ेगा गाइज, ताकि ये जो है हवा को अच्छी तरह से अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सके, और उसको एक तरह से देखा जाए तो रिफ्लेक्ट भी कर सके। तो गाइज चलो फिर से ट्राई करते, थोड़ा एफर्ट और लगाते और इसको उड़ाने की कोशिश करते गाइज। और गाइज अगर ये हमारी पतंग सक्सेसफुली उड़ पाती है तो गाइज आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, और वीडियो को लाइक करना है गाइज, और अपने सभी दोस्तों को शेयर करना है, और एक प्यारा सा कमेंट भी इसके अंदर कर देना है। तो गाइस चलो एक बार फिर से हम इसको उड़ाते हैं। उड़ी थी गाइस हवा के कारण ही, सही से नहीं उड़ रही। बाकी ये मतलब 100% मैं बोलूं तो 80% ये पूरी तरह से वर्क कर रही है। ये पतंग कैसी लगी तुम लोगों? बहुत अच्छी। आपने कैसे बनाई है? ये मैंने घर पे ही बनाई थी। जिंदगी में फर्स्ट टाइम देख रहे हो इतनी छोटी पतंग? जी भाई। कितनी छोटी, हाथ दिखाओ तुम्हारा। यहाँ पे देख, तू गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो एक बच्चे के हाथ में इतनी सी पतंग आ गई है, चाहे तो जेब में रख के इसको ले जा सकता है। कैसी लगी ये पतंग? बहुत अच्छी पतंग है। चाहिए पतंग? बहुत अच्छी पतंग है। बहुत तगड़ी चीज यार, तूफान बन रहा है भाई, मान लो। और ओरे दिविज भाई लो तो जा। यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी हवा नहीं चल रही थी, कोई नहीं। गाइस हमारी पतंग जो है वो काफी अच्छी उड़ी, बट हवा का प्रेशर अब कुछ ज्यादा है। आपने देखा होगा वहाँ पे तूफान चला,
इसके बाद गाइस आप यहाँ पे बच्चों से ही पूछ सकते हो, क्यों बेटा कैसी उड़ी थी वो? बहुत अच्छी। सच में उड़ी थी कि नहीं? उड़ी थी, मेरी लंबी अपनी आंखों से देखा है। पक्का? हाँ देखा तो था ना। उड़ी थी, अच्छी उड़ी थी, छोटी सी पतंग बहुत अच्छी है। चल चल ठीक है। तो गाइस आई होप आपकी वीडियो काफी ज्यादा अच्छी लगी हुई। गाइस फाइनली हमारी जो मेहनत थी वो रंग लाई। हम लोग यहाँ पे आए थे गाइस कुछ 12 बजे, लेकिन अब 3:30 यहाँ पे बज चुके हैं। यहाँ पे आपको टाइम भी दिखा देता है, 3:30 यहाँ पे गाइस बज चुके, यानी कि हम लोगों ने कम से कम 1 से 2 घंटे का इसमें एफर्ट दिया। बट गाइस एफर्ट के बाद जो हमारी मेहनत थी वो फाइनली रंग लाई, हमारी पतंग उड़ी। गाइस वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। गाइस कमेंट करके बताओ कि हमें ऐसी कौन सी चीज बनाए जो वर्ल्ड की सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट हो या वर्ल्ड की सबसे ज्यादा बड़ी चीज हो। तो गाइस आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। हम मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपने ख्याल रखो। साथ में मिलकर बोली भारत माता की जय।